देखिए, शर्लिन चोपड़ा लोगों को ब्लैकमेल करती हैं, और आज से नहीं, काफ़ी सालों से ब्लैकमेल करती आ रही हैं। अगर आप गूगल में, ट्विटर पे उनके बारे में डिटेल्स देखेंगे, सो उनके टारगेट जो एलीट क्लाइंट्स हैं, बॉम्बे के डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो हमेशा से शर्लिन के टारगेट रहते हैं, और उनका यही काम है, तो उसके अगेंस्ट मैं आया हूँ। इनफैक्ट किसी भी इंडियंस को आना चाहिए था, बट आज मैं उसमें सामने आया हूँ। देखिए, साजिद खान एक इंडस्ट्री के जाने माने नाम है, एक बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, एक डायरेक्टर हैं, और काफ़ी नामी गिरामी इंसान हैं, और बिग बॉस हाउस में वो एज अ कंटेस्टेंट गए हैं। तो बिग बॉस को इससे मतलब नहीं है कि वो कौन है, उन्होंने क्या किया है, वो उनको एज अ कंटेस्टेंट ले रहे हैं। और शर्लिन चोपड़ा ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं, उसका डिसाइड करने का कोर्ट को अधिकार है, शर्लिन चोपड़ा को अधिकार नहीं है। इसीलिए आज उनके अगेंस्ट मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, उन पर मैंने एलिगेशन्स के धारा लगाए हैं, और जो समाज का माहौल वो ख़राब कर रही हैं, जो इंडियंस के लोगों को, इंडियंस को बहका रही हैं, उसका एलिगेशन जो उन्होंने लगाया है, उसके अगेंस्ट मैंने एक्शन लिया है। और ये देखिए आप, एक कंप्लेंट मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दी है, ये देखिए आप देख सकते हैं, एक कंप्लेंट मैंने मुंबई कमिश्नर को दी है, और एक कंप्लेंट मैंने मंत्रालय से लिए, तीनों की रिसीविंग आप देख सकते हैं इसमें मौजूद है। सो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जिससे हमेशा मुंबई पुलिस ने सच का साथ दिया, अभी भी साथ दें, और लीगल नोटिस इमीडिएटली शर्लिन चोपड़ा को भेजें, जिससे आने वाले टाइम में इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री का नाम शर्लिन चोपड़ा ख़राब कर रही हैं। जो यूथ अपकमर्स आइकन, जो लड़की हैं, जो मॉडल्स हैं, जो बाहर से आती हैं, उनकी वजह से वो सब आने से डरेंगी, और मुझे लगता है उनके अगेंस्ट इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए, और अब उनके अगेंस्ट, शर्लिन चोपड़ा के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए। देखिए, मैंने सबसे पहले तो ये बायकॉट का आपके सामने दिखाया कि सबसे पहले तो शर्लिन चोपड़ा का इंडस्ट्री से बायकॉट होना चाहिए। इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा नाम है, जिसमें लोगों को काम मिल रहा है, लोग आते हैं, काफ़ी उम्मीद लेके आते हैं, और इंडस्ट्री ने बहुत लोगों को काम दिलाया भी है, बट शर्लिन चोपड़ा की इन गंदी हरकतों की वजह से लोग आने से इंडस्ट्री में डर रहे हैं, और इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री की अच्छी छवि को ख़राब करने में शर्लिन चोपड़ा का हाथ है। देखिए, साजिद खान मेरे दोस्त नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स मैं उनके सपोर्ट में आया हूँ। इससे पहले भी वो डायरेक्टर्स के और प्रोड्यूसर्स के लिए एलिगेशन लगा चुकी हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप क्यों बोल रहे हैं, तो आप मुझे बताइए एक बात, क्या मुझे इस चीज़ का वेट करना चाहिए था कि शर्लिन चोपड़ा मेरे ऊपर आरोप लगाएं कि फैज़ान अंसारी ने मेरी चड्डी में हाथ डाल दिया, फैज़ान अंसारी ने मेरे ब्रा में हाथ डाल दिया, क्या मुझे इस दिन का वेट करना चाहिए था? ये आने वाले टाइम में होने ही वाला है, और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पूरे बॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स से कि शर्लिन चोपड़ा को इमीडिएटली बायकॉट करें, नहीं तो अगला निशाना आप लोग होंगे। जो आरोप लगे हैं उसका डिसाइड तो कोर्ट कर सकती है, शर्लिन चोपड़ा का उसका अधिकार नहीं है। और ऑफकोर्स इंडस्ट्री में जितने ए लिस्टेड सेलिब्रिटीज़ हैं, फीमेल्स हैं, वो अपने दम पे, बलबूते पे आगे बढ़ी हैं। शर्लिन चोपड़ा जैसी लड़की उन सबकी इमेज को ख़राब कर रही है, कि इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं, ऑडिशन के लिए जाते हैं, उनके साथ ऐसा हैरेसमेंट होते हैं। तो मेरे हिसाब से शर्लिन चोपड़ा के लिए इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। और मुझे एक बात और ये भी लगती है, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आज फैज़ान अंसारी मुंबई में आया है, तो अगर ये चीज़ नहीं रुकेगी, तो अगर शर्लिन चोपड़ा, पूरे इंडिया में शर्लिन चोपड़ा जैसी लड़की आएंगी, तो हर शहर में एक फैज़ान अंसारी आएगा। कल को दिल्ली में कोई फैज़ान अंसारी आएगा, परसों बेंगलोर में, नरसों कर्नाटक में कोई फैज़ान अंसारी आएगा, और इसके अगेंस्ट मेरी मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट है कि इमीडिएट एक्शन होना चाहिए।